होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में हाल ही में सिकंदरा स्थित पंछीपेटा फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जिसमें माना जा रहा है कि पंछीपेटा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 12 मार्च से 17 मार्च के बीच लगातार ये अभियान सिटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में चल रहा है। होली पर मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है, लिहाजा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि विभाग की 2 दर्जन से अधिक टीमें आगरा जनपद में लगातार छापेमारी कर रही हैं। प्रशासन द्वारा ये अभियान 12 मार्च से शुरू किया गया, जो 17 मार्च तक लगातार जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान अब तक बड़ी तादाद में संदिग्ध पंछीपेटा भी सिकंदरा स्थित पंछीपेटा फैक्ट्री से बरामद किया गया। इसके अलावा बाजार से मावा भी बरामद किया गया। यहां पर बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह की अगुवाई में सिकंदरा स्थित पंछीपेटा फैक्ट्री और पुलिस ने हाल ही के दिनों में छापा मारा था, जहां से संदिग्ध पेटे के सैंपल इकट्ठे कर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। ऐसे में प्रशासन को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह ने कहा कि जांच में मिलावटखोरी की अगर शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि पंछीपेटा की गुणवत्ता में अगर मिलावटखोरी की शिकायत आई तो पंछीपेटा की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी के रिगार्डिंग शासन से एक निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए हैं, जिसमें 12 तारीख से 17 के बीच में एक सघन अभियान चलाया जाना है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देशित किया है। इसमें कुल हमारी 26 टीमें 26 जोन में एक्टिव हैं। प्रत्येक FSO अपनी जोन में जा रहा मौके पर और सैम्पलिंग कर रहा, और जो भी बड़े प्रतिष्ठान हैं और जहां भी अवैध दूध से बनी चीज़ों की सूचनाएं प्राप्त हो जा रही हैं, वहां पे भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक देखा होगा जहां पे हम लोगों ने 500 किलोग्राम खोया नष्ट कराया है, पकड़ा गया अवैध तरीके से, उसकी सैम्पलिंग भी कराई गई है। और लैब रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसके खिलाफ हम लोगों के द्वारा जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।